गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप? आई होप सो अच्छे होंगे। जय माता दी, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जय भारत माता की। सो गाइस, कल है जन्माष्टमी, तो मैं आज रात को अपने बाबू का जन्माष्टमी का शूट करने जा रही हूँ। उसको कृष्ण जी बनाऊंगी और मैं बनूंगी यशोदा मैया, तो मैं अभी रेडी होंगी। सो आप लोग ब्लॉग में बने रही, पहले मैं डेकोरेशन करूँगी। डेकोरेशन मैं यहाँ पर करूँगी जहाँ उसको लिटाना है। तो डेकोरेशन के लिए मैं सारा वैसा सामान तो ले आई, पर मुझे ग्रीन मैट नहीं मिली, तो मैं मैट की जगह पर अपनी ग्रीन साड़ी बिछाऊंगी ताकि थोड़ा अच्छा लगे, ग्रीन नीज है। तो चलते हैं डेकोरेशन करते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। सो गाइस, इधर मैं करने वाली हूँ डेकोरेशन। चलते हैं डेकोरेशन, वाले सामान ले आते हैं और फिर डेकोरेशन शुरू करते हैं, ठीक है? तो गाइस, डेकोरेशन करने से पहले हमें थोड़ा रूम की सफाई करनी, देखते हैं कल मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि रूम गंदा था तभी डेकोरेशन करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप झाड़ू लगाओ तो मैं सामान ले आती हूँ। तो मैंने लिखा ली है अपनी ये साड़ी। मैंने कहा ये पहले मैं सिर्फ नॉर्मल ही करने वाली थी कि मतलब झाड़ू लगा दूँ दोबारा में, तो मैंने कहा चलो थोड़ा जो पंडाल टाइप में होता है ना, साड़ी लगी होती पंडाल में, तो मैंने कहा चलो वैसा थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने वैसे किया, पर उसके लिए कील नहीं थी वहाँ पर, तो मैंने कहा क्या करूँ। फिर मैंने ड्रेस करा, टेप निकाल, टेप लगा वहाँ पर, टेप लगाने से ना फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हमने कहा चलो फिर हम ट्राई करते हैं, हम गाजर लगा लें। अब मेरी तैयार होने के बारी है। मैंने अपना लहंगा पहन लिया, ये मैंने पहना था बेबी शावर में। और ये देखिए मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, आप सबको कमेंट करके बताना। मैंने जल्दी जल्दी कर लिया, मैंने कहा बाबू रोएगा भी नहीं, तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ और फिर उसका वीडियोस बनानी है। ये बिंदी मैंने रेड लगाई होगी, मुझे पिंक कलर की थी नहीं मेरे पास, नहीं मैंने रेड लगा ली। और पहली बार आज मैंने इतनी बड़ी बिंदी लगाई थी। तो ये आई है मम्मी देखने, यही रखा होगा आप पूछो अपने मोटा सू। तो गाइस ये देखिए मेरी फुल डेकोरेशन, और कैसी लग रही है आपको कमेंट करके बताना। और ये मटकी को मैंने गुल्लक बना के इसमें रुई भर दी है, गुल्लक थी पर गुल्ली को मटकी बना के इसमें रुई भर दी है। सो अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट्स करके बताना। तो गाइस ये देखिए मेरा लड्डू गोपाल भी लेट गया है, कैसा लग रहा है? ये ना सो गया था, मैंने कहा अब कैसे सूट होगा। और इसको जैसे ही मैंने वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव ये सुनाया, इतनी जल्दी उठ गया। और फिर पूरा शूट करवाने के बाद ही वो रात में 1 बजे गए सोया। वो बहुत अच्छे से करवा लिया, रोया नहीं बिल्कुल भी, और बस नज़र न लगे, थू 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 मेरे बाबू को नज़र न लगे। और जो भी मेरे बाबू को देखे प्लीज़ थू 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 कर देना, उसको नज़र न लगे, ठीक है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये गाना इसका फेवरेट है, ये गाना इसका फेवरेट है। और ये गाना सुनते ही देखो हंस देता है। ये देखो ये मुस्की, तुम किशन जी हो? किशन जी लड़का हो तो किशन जी, लड़की हो तो राधा जी। जी का बात हुई भाई घूरना नहीं। देखो ओए हाय 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 हाय, कितना भी रो रहा हो ये गाना सुना दो साथ। वेरी गुड। चलो तो शूट वगैरह कर लेते हैं, रील वगैरह बना लेते हैं। तो गाइस कैसा लगा आप सबको मेरा व्लॉग? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओ हाँ गाइस, कल रात को हमने उसके बाद शूट करने के बाद बाबू को एकदम, और फिर तो ये खेलता रात 2 बजे तक ये खेलता रहा, ये बिल्कुल नहीं सोया। आप देखो सो रहा, नींद पूरी कर रहा अपना बाबू बच्चा। इसको मैं काजल लगाने जा रही हूँ। सो गाइस जो भी मेरे बाबू को देखे प्लीज़ एक बार थूथू थूथू कर लेना प्लीज़, क्योंकि उसको नज़र नहीं लगेगी। मैं तो बड़ा थूथू थूथू कर रही हूँ। सो बस ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखें और ब्लॉग को पूरा देखिएगा, छोटा सा ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो बाय बाय, लव यू ऑल।